एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, बट उन्हें खरीद कर मैं पछता रही हूँ, रिग्रेट फील कर रही हूँ। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है, जिनके ऊपर हम आई क्लोज करके ट्रस्ट करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने लिया हुआ था। बट ये मेरे लिए काम का नहीं हुआ। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार बना देते हैं, क्या पता जैसे काफ़ी सारे लोग हों जिनको ऐसे दिक्कत झेलनी पड़ी हो या फिर वो इन प्रोडक्ट को लेना चाहें तो ना लें। मैं रीज़न बताऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मेरी स्किन पे वर्क नहीं किया आपकी स्किन पे भी वर्क ना करे। मेरी स्किन जो है एक्सट्रीमली ड्राई है, और होता है कई बार होता है कि स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट सूट करते हैं, तो मे भी रीज़न ये भी हो। लेकिन हाँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मैंने क्यों ही लिया, क्यों मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया। बट मे भी उनकी स्किन पे अच्छे से वर्क किया हो, मेरी स्किन पे नहीं किया, तो कोई भी बात हो सकती है ना। सो अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई है तो ये प्रोडक्ट आपकी स्किन पे भी वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टाइम जो ब्रांड हल्का मचाया हुआ है, सरलेट टेलरी, उस ब्रांड से। तो इनके फाउंडेशन के बारे में लोगों ने इतना बढ़-बढ़ के बताया था, कि मेरा जो है फाउंडेशन ऐसा था कि मुझे इसे लेना ही लेना है। ड्रीम प्रोडक्ट नहीं हो जाता कि यार काश ये मेरे पास हो। और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्क्रीन पे देख लीजिएगा, समथिंग 4000, हाँ 4000 की ही ये फाउंडेशन है। स्क्रीन पे मैं प्राइस डाल दे रही हूँ। तो ये है सरलेट टिल्वरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन, स्टेज ऑल डे एंड नाइट। तो ये बोलता है कि सारा दिन सारी रात ये फाउंडेशन आपकी स्किन पे वर्क करेगा, अच्छे से टिका रहेगा। अच्छा, ये फाउंडेशन मैं बता दूँ मुझे क्यों नहीं पसंद है। इसे लगाते ही, क्योंकि मेरी स्किन जो है एक्सट्रीमली ड्राई है, तो ड्राई पैचेज आ जाते हैं और हम बाहर निकलते हैं ना तो ऐसे ऐसे लगता है कि यहाँ यहाँ से सारे फाउंडेशन निकल रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जिनको फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है। मुझे मीडियम टू लाइट, या फिर बोल सकते हो लाइट, जो मतलब एकदम लाइट कवरेज दे, वही फाउंडेशन पसंद है। तो ये फाउंडेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी आप देख लीजिए, 2 से 3 बार मैंने लगाया हुआ है, ऐसे कि ऐसे ही है। पैकेजिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, एकदम आई कैची, मतलब हाँ प्राइस के हिसाब से पैकेजिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो पैकेजिंग के हिसाब से तो ठीक है, बट ये फाउंडेशन मेरी स्किन के लिए बना नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने बात करी इस फाउंडेशन की, जो कि है सरलेट टिल्वरी का। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फाउंडेशन, जो कि है स्टील ऑर्डर का। और इस फाउंडेशन के बारे में जो भी इन्फ्लुएंसर, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्रामर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया हुआ था कि ये ना ऐसे लगता है कि आपकी ही सेकेंड स्किन है। और ये फाउंडेशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं आपको बता दूँ 3700 का ये फाउंडेशन है। मुझे ये फाउंडेशन क्यों नहीं पसंद, कवरेज जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट कवरेज अच्छी है, बट ये बिल्कुल भी स्टे नहीं करता। इसे लगा के आप बाहर जाओगे तो पसीना होगा ना तो तुरंत ही निकलने लगता है, और जगह जगह ड्राई पैचेस, ऐसे लगता है कि यहाँ से फाउंडेशन निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, मतलब आपको इवन लुक नहीं देता है। इससे 100 टाइम बेटर आपको मेबलिन के फाउंडेशन मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लो तो मेबलिन के जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे, और आपके पॉकेट में भी आ जाएंगे, 500 के समथिंग आ जाएंगे। तो इस फाउंडेशन को मैं बिग नो करूँगी, आप लोग बिल्कुल ही मत लीजिएगा। मेरी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, बट जैसा कि मैंने बताया बाहर जाओगे इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये फाउंडेशन टिकेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसको भी मैं आपको दिखा दे दूँ मैंने कितना यूज किया। मेरे यहाँ भागवत थी, मैंने यूज कर लिया था, जिस दिन हवन थी सब बोल रहे थे कि जाओ फेस धुल के आओ, तुरंत निकल गया था तुरंत। फिर मैंने इसे एक बार भी नहीं यूज किया, और ये पूरा का पूरा फाउंडेशन भरा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। सिर्फ मैंने
एक या दो बारी ही लगाया हुआ है, तो ये मेरे लिए टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि पैसे इतने लगाए हैं तो एसी में बैठे हैं तो कभी ना कभी आपको वीडियोस में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि भाई 3700 बहुत ही ज्यादा है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए। तो ये हो गई, अब बात करते हैं एक स्किन केयर का प्रोडक्ट है जो कि मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया हुआ था। ये है इस क्लिनिक का मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स। ये मॉइस्चराइजर है, 10,000 का मॉइस्चराइजर है, और ये अपने यहाँ का नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह निकल रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने लिखा था कि स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहेगी तो अच्छे से वर्क करेगा। बट किस इसे आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा होगा, क्योंकि ये 10,000 का है तो मैं इसे ऐसे फेंक तो सकती नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम, इसे लगाने के बाद स्किन जल्दी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मिर्ची लगी हुई है। सो ये मेरे लिए बिग नो, और इसमें अभी है भी बट मैं इसे नहीं यूज कर रही हूँ। ठंडियों में तो चलो ठीक है यूज कर लेते थे, बट गर्मी में मेरी स्किन इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो 10,000 मेरे डूब गए, स्किन पे कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला, बल्कि इससे 100 times बेटर लोरियाल के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, वो अच्छे से वर्क करते हैं और उसे मैं यूज भी करती हूँ। तो ये हो गया, अब बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक में सबसे पहले हम जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे वो है मैक। तो इसमें है मैक की रूबी वो, और ये इनकी काफ़ी फेमस लिपस्टिक है, और इनकी नई लॉन्च लिपस्टिक, नई तो नहीं, एक साल के नियर अबाउट हो गया है। ये है पावर पाउडर किस लिक्विड लिप कलर रूबी वो। तो एक कुछ इस तरीके की लिपस्टिक है, कलर नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट इस लिपस्टिक के साथ क्या है ना कि पाउडर लिपस्टिक है, तो पाउडर लिपस्टिक है, इट्स ओके पाउडर है, बट इसे जब आप लगाते हो ना तो मतलब ऐसा लगता है कि आपने पाउडर अपने लिपस्टिक पे लगाया हुआ है, लिप पे लगाया हुआ है, लिपस्टिक स्टे ही नहीं करती है, निकल जाती है तुरंत। और ये लिपस्टिक शायद 3000 के नियर अबाउट या फिर 2000 ऐसे कुछ होगी, स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी। तो मैंने दो लिपस्टिक मंगाई हुई थी जब इनकी लॉन्च हुई थी। ये है पाउडर किस लिक्विड लिप कलर, जिसमें से मेरा शेड दोनों बहुत ही प्यारे हैं। ये है मोर द मेहर, तो मोर द मेहर एंड रूबी वो, ये दोनों इनके काफ़ी फेमस लिप कलर हैं, बट बिल्कुल भी स्टे नहीं करते, 5 मिनट भी आपकी लिप पे नहीं रहेंगे, जगह से निकल जाएगा। तो बिग नो है, इस लिपस्टिक को आप लोग मत लीजिएगा। अच्छा, सनलेट में एक और चीज़, ये है सनलेट का पिलो टॉप चिक टू चिक ब्लस है, बट ये मुझे क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि ये ब्लस के नाम पे कॉन्टोर दिए हुए हैं और ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है। अभी इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपने मुझे एक या दो वीडियो में देखा होगा, बट मैंने इसके बारे में अच्छा बोला होगा, ये आपने सुना कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो मैं आपको इसके लिए नहीं, आप मत लीजिएगा। और पिलो टॉक इनकी जो रेंज है काफ़ी फेमस थी सनलेट एलवेल की, और ये लिपस्टिक तब ज़्यादा ट्रेंड में आ गई, ज़्यादा वायरल हो गई, जब इस लिपस्टिक को आलिया भट्ट ने अपनी शादी में लगा लिया। उससे पहले ही मैंने इस लिपस्टिक को लिया हुआ है, कलर नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत कलर है, बट इस लिपस्टिक के साथ क्या प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, ये लिपस्टिक आपके लिप पे 5 मिनट भी नहीं टिकने वाली, 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। और कलर तो ऐसा है, कलर जैसे मैंने बताया काफ़ी न्यूड कलर है, बट ये टिकती बिल्कुल भी नहीं है। बुलेट लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा टाइम तक वैसे भी लॉन्ग स्टे नहीं करती, बट इस लिपस्टिक की प्राइस आप सुनोगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई रहेगी, कि नहीं कुछ तो एटलीस्ट ये 5 to 6 hours तक तो स्टे करेगी ही करेगी, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शायद ये लिपस्टिक 36 एक मिनट यहीं पर लिखा होगा, 3150 rupees की ये लिपस्टिक है। 3150 rupees में आपको 3 gram की लिपस्टिक मिल रही है, वो भी किसी काम की नहीं। मेरे पास इनकी 3 shades हैं, वो भी बहुत फेमस हुआ था, बहुत वायरल था, तो मैंने मंगा लिया हुआ था, बट वीडियोस में आप लोग नहीं देखते होंगे मुझे यूज करते हुए। इसके बाद फॉरएवर 52 ब्रांड पे आते हैं, जो कि इन दिनों इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल, एक साल से काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा हुआ है फॉरएवर 52 ब्रांड। हर एक इन्फ्लुएंसर यार इतनी बड़ाई कर रहा है कि सामने वाला देखे ना तो यार चलो नहीं लेते हैं। तो इसको मैंने लिया हुआ था, लिपस्टिक कलर बहुत अच्छे हैं बट लिपस्टिक बिल्कुल भी स्टे नहीं करती है, तो मैंने मेरे वीडियो में बोला भी था कि बिल्कुल भी लिपस्टिक मत लीजिएगा, क्योंकि लिपस्टिक सस्ती नहीं है यार, शायद ये लिपस्टिक 600 या 700 के समथिंग है। ये है इनकी डेली लाइफ फॉरएवर 52 की प्रोफेशनल सुपर स्टे लिक्विड लिपस्टिक। शेड अच्छे हैं, लिपस्टिक अच्छी नहीं है इनकी। शेड मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला शेड काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब आप लगाते हो ना तो तुरंत निकल जाता है बीच से, यहाँ से
तो एक दो वीडियो में आपने मुझे यूज करते हुए देखा, इसके बाद मैंने इसको डाल दिया, ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई, दोबारा मैंने लगाया ही नहीं। तो कुछ इस तरीके के कलर हैं, कलर काफ़ी प्यारे हैं, बट क्या कर सकते हैं, कलर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद स्टिल ऑर्डर की ही है दो लिपस्टिक, इन लिपस्टिक के साथ भी कलर जो स्टिल ऑर्डर की लिपस्टिक है, इसमें 304 जो इनकी लिपस्टिक कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट ये भी लिपस्टिक स्टे नहीं करती, इतना प्यारा कलर है ना कि मैं इसको 3 से 4 बार लगा चुकी हूँ मेरे वीडियोज़ में। जब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता है तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि कलर माय गॉड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बट सेम प्रॉब्लम की स्टे नहीं करती है, और ये लिपस्टिक भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्क्रीन पर मैं सबकी प्राइस डाल दूँगी। तो इसमें मैंने एक डार्क एक न्यूड सेट लिया हुआ था। इसके बाद मैं कदम मस्कारा आया था ना, तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बहुत ही ज़्यादा बड़ाई कर रहा था, है मिनी मैक, इसमें बड़ा भी आया था, थैंक गॉड कि मैंने छोटा वाला ही लिया था। छोटे वाले की ही प्राइस मैं आपको बता दूँ, 1900 है, मतलब 1900 का ये मस्कारा है। इस मस्कारे के साथ क्या प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, इसे लगाने के बाद आपकी लैसेस काफ़ी बड़ी लगती है नो डाउट, बट ये मस्कारा बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है। जब आप 2 से 3 कोट्स अप्लाई करते हो ना, तो ऐसे आपकी लैसेस चिपकने लगती हैं, और गलती से भी अगर आपने पानी डाल दिया ना, तो फिर जो दिखाते नहीं है भूत चुड़ैल सीरियल में दिखाते नहीं, वैसे ही ऐसे लाइंस लाइंस बन जाती हैं। इस मस्कारे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो इस मस्कारे को भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। ये सारा तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ब्रश की बात करते हैं, तो ये है फॉरएवर 52 का ही NS009 फाउंडेशन ब्रश। ये ब्रश इतना हार्ड है, जब आप इसे करते हो ना तो चुभता है। मैंने इसे एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है उनका देख के मंगाया था, उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ाई की हुई थी, बट इस फाउंडेशन ब्रश को आपने मेरे एक वीडियो को छोड़ किसी में नहीं देखा होगा यूज करते हुए। एक्सपेंसिव है बट फिर भी नहीं करती हूँ। इसके बाद फॉरएवर 52 का ही ग्लैमो कॉन्टोर हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट है इनका, जो कि प्रोफेशनल है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, इसके जो ब्लश एंड कॉन्टोर हैं ओके हैं, बट इसका जो हाइलाइटर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे लगाते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने क्या कुछ लगा लिया हुआ, इसमें ना चंकी पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको ये वाला नहीं रिकमेंड करूँगी। इससे अच्छा और सस्ता आप चाहें तो शुगर का या फिर फेस स्टैनडा का ट्राई कर सकते हो, फेस पैलेट अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा हाँ, ये वाला ये है आईब्रो एंड हेयर ट्रिमर, ये जो ये है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ था तो मैंने बोला था कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका नाम है फ्लॉलेस का बैटरी ऑपरेटेड आईब्रो ट्रिमर। तो इससे आप ना अपने जो लिप चिन आई या फिर फेस के जो हेयर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको आईब्रो ट्रिमर मिल जाता है, LED लाइट मिल जाती है, और काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था। तो आप, मैंने उस वीडियो में बोला था कि ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आपने अच्छे से यूज नहीं किया, फिर हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आपका आ गया हो गलत, बाकी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो हो सकता है मैंने आप लोगों की बातें जो है सुनी, मानी आपकी बातें, तो मैंने रिटर्न डाला, बट लोग रिटर्न नहीं ले गए क्योंकि इसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने दूसरा, आप देख लीजिए, एक ये है दूसरा, मैंने दूसरा मंगाया, हो सकता है एक प्रोडक्ट आ गया हो गलत, दूसरा नहीं आएगा, बट इस प्रोडक्ट के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो मेरे तो पूरे जो पैसे हैं वो बर्बाद हो गए, और ये जो है मैंने जैसे कि बताया, मैंने जितने भी प्रोडक्ट दिखाए हैं वो किसी ना किसी यूट्यूबर की रिकमेंडेशन पे ही लिए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया हुआ है, बट ये मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया, मे भी वो उनके लिए अच्छा हो मेरे लिए ना अच्छा हो, तो एक ये सारे प्रोडक्ट जिनको बाई करके मेरे पैसे तो गए ही गए, साथ ही साथ मुझे काफ़ी रिग्रेट सा फील हो रहा है कि मेरे इतने पैसे क्यों बर्बाद हो गए। आप लोग अगर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कितने पैसे मेरे गए हुए हैं। तो इनमें से अब भाई मैं बता ही सकती हूँ कि मेरे पे वर्क नहीं किया, आप पे करें तो आप दे सकते हो, अदरवाइज क्या ही बोलूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो मिलते हैं आज अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू इन लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय। अच्छा हाँ सुनो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख लो कितने पसीने हो रहे हैं मेरे, हालत मेरी ख़राब है, बट फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ।
तो अभी से इजाजत मिलेगी आपसे नए फिल्म, बट प्लीज लाइक कर देना और किस तरीके के वीडियोस देखें कमेंट में जरूर बताना।